नमस्कार, मैं अनिल सक्रवा और फिजिक्स लेक्चर बांसवाड़ा पोस्टेड हूँ अभी वर्तमान में। अभी 13 तारीख को एक राजस्थान सरकार से बीकानेर निदेशालय के द्वारा एक ऑर्डर जारी हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है सभी विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 12 के, कक्षा 11 के, कक्षा 10 के, कक्षा 9 के, सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे ये ऑर्डर कक्षा 12 के लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट सभी के लिए है। तो किस संदर्भ में, विशेष तौर पर राजकीय विद्यालयों के लिए है जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को निःशुल्क IIT, NIT, मेडिकल, नीट वगैरह इन परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षा जो है इनके लिए फ्री कोचिंग क्लासेस जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। उसके लिए ये ऑर्डर है जिसके अंदर कुछ विशेष कंडीशंस है, उसके आधार पे जो सिलेक्शन है वो लिए जाते हैं और उन विद्यार्थियों को फिर फ्री कोचिंग अवेलेबल करवाई जाती है एक संस्था के द्वारा। तो ये ऑर्डर जो है वो 13 जनवरी को रिलीज हुआ है और सभी संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा राजस्थान को भेजा गया है और जो राजस्थान शिक्षा विभाग के डायरेक्टर है श्रीमान सौरभ स्वामी के द्वारा ये जारी किया गया है। इसी को देख के मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि राजकीय विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राएं जो है उनके लिए है और कक्षा 12 में वर्तमान में वो अध्ययनरत होने चाहिए। कक्षा 12 में विज्ञान वर्ग के लिए है, IIT, नीट इनकी तैयारी के लिए है। जो विद्यार्थी तैयारी नहीं कर सकते हैं या जिनके जिनके पैसों संबंधित आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। सभी प्रिंसिपल, सभी लेक्चरर, सभी टीचर्स अगर इस पर ध्यान दें तो बहुत से बच्चों को फायदा मिल जाएगा, घर बैठे उन्हें इन अवसर प्राप्त हो जाएगा। और ये जो कार्य है मेनली स्कूल के द्वारा किया जाना है, स्कूल के द्वारा किया जाना है, प्रधानाचार्य के द्वारा किया जाना है, टीचर्स के द्वारा किया जाना है। अब इसके लिए दो बातें मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो क्राइटेरिया क्या है, कौन से विद्यार्थी इसमें इसके लिए पात्र होंगे। फिर दूसरी बात प्रक्रिया क्या है, तो इसको देख ले पूरा ताकि आपको पता चल जाए अगर हम करना चाह रहे हैं तो किस प्रक्रिया के थ्रू हमें ये करना है। सबसे पहली बात, विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी होना चाहिए, कक्षा 12 में अध्ययनरत होना चाहिए इस समय, यानी जो 2021 का जो सेशन चल रहा है उसमें वो कक्षा 12 में पढ़ाई कर रहा हो। इसका मतलब 18-19 में उसने कक्षा 10वीं पास की हो, 18-19 में, तो 19-20 में 11वीं हो गई और वर्तमान में वो कक्षा 12 में है। इसके लिए एक मस्ट कंपलसरी क्राइटेरिया जो है वो कक्षा 10 में 70% से अधिक अंक आए हुए होने चाहिए। इसलिए मैंने ये बात कही थी कि कक्षा 9, 10, 8, 11, 12 सबके लिए इम्पोर्टेंट है। 11 के लिए इसीलिए क्योंकि वो अगले साल 12वीं में जाएंगे तो अगले साल भी ये बात लागू रहेगी, ऑर्डर लागू रहेगा। और कक्षा 10 के लिए इसीलिए वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं तो अच्छे नंबर लाएंगे तो बाद में वो इसी क्राइटेरिया में आ जाएंगे। बाकी कक्षा 9-8 के लिए अगर उनको ये पहले से पता रहे तो एक मोटिवेशन का काम करेगा जिससे वो नेक्स्ट क्लास में जब पहुंचेंगे, 10th में पहुंचेंगे तो उसी हिसाब से प्रिपेयर होंगे और भविष्य के लिए निश्चिंत होकर थोड़ा अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो इसके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस समय 2021 में वो कक्षा 12 में विज्ञान वर्ग में अध्ययनरत होना चाहिए और उसकी 10वीं जो 18-19 में पास की हो उसने, और 10वीं में 70% से अधिक अंक उसके आए होने चाहिए। ये दो बातें जरूरी है। कैटेगरी कोई भी हो सकती है, कोई विशेष कैटेगरी नहीं, प्रावधान नहीं है इसमें। जनरल, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, डिसेबल, सभी वर्ग के विद्यार्थी जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया एक ही है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय से ऐसे दो विद्यार्थी जिन्होंने 18-19 में कक्षा 10वीं में उक्त कैटेगरी में विद्यालय स्तर पर प्रथम 2 स्थान प्राप्त किए हों, ऐसे विद्यार्थियों का चयन करना है जिन्हें कक्षा 10 में 18-19 सत्र में, जो 12वीं में है वो 18-19 में 10वीं में थे उस समय, उन्होंने प्रथम 2 स्थान प्राप्त किए हों, ऐसे विद्यार्थियों का चयन इसके अंदर करना है जो वर्तमान में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है। तो ये तो हो गया क्राइटेरिया जो आवश्यक है किन बच्चों को इसके अंदर लेना है। उसके अलावा दूसरी बात है कि इसका प्रक्रिया क्या है, जो प्रधानाचार्य को या वहां के व्याख्याता या टीचर्स जो भी वहां है उनको जो प्रक्रिया करनी है वो है। इसके लिए ये जो उपलब्ध करवाई जा रही है सुविधा, इसके लिए एक दक्षिणा फाउंडेशन ग्रुप है जो ये उपलब्ध करवा रहा है महाराष्ट्र का। दक्षिणा फाउंडेशन, DAKSHANA, दक्षिणा,
फाउंडेशन ग्रुप है जो ये सुविधा उपलब्ध करवा रहा है पुणे महाराष्ट्र से। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए पहले हमें चयन करना है विद्यार्थियों का विद्यालय स्तर पे जिन्होंने कक्षा 10 में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए थे और जो कक्षा 10 में टॉप 2 में थे और वर्तमान में 12th में अध्ययनरत है। अब क्या करना है, विद्यालय की आईडी से वेबसाइट से dakshina.org.jdst के लिंक पे जाके विद्यालय को रजिस्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रधानाचार्य को, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, दक्षिणा अभी नीचे स्क्रीन पे भी आपको दिखा देंगे, dakshina.org/jdst के लिंक पर जाकर विद्यालय को रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद विद्यालय की ईमेल पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर जाकर JDST का मतलब है जॉइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट JDST 2021, वहां उस लिंक पर जाकर जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनकी डिटेल वहां भरी जाएगी। उसके बाद फिर परीक्षा हेतु उन विद्यार्थियों को आमंत्रित कर लिया जाएगा, डिटेल इनके पास भेज दी जाएगी और ये जो परीक्षा है अप्रैल 2021 में आयोजित की जाएगी। अप्रैल, अभी जनवरी चल रहा है तो फरवरी मार्च अप्रैल अभी 3 महीने है, अप्रैल में आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना जो है वो पहले भेज दी जाएगी और इस परीक्षा के आधार पर बाद में इस दक्षिणा फाउंडेशन के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा और उसके बाद उनको निःशुल्क आवासीय कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी वहां उनको रहने की, खाने की प्लस कोचिंग की सारी सुविधाएं जो है वो इस फाउंडेशन के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल दी जाएगी। और ये जो सुविधाएं हैं ये राजकीय विद्यालयों के लिए दी गई है, इसके अंदर ऑर्डर के अनुसार जो है वो राजकीय विद्यालयों के लिए ये है। तो सभी अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को ये सूचना दे सकते हैं और कक्षा 12 में जो अध्ययनरत है खासकर विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी होने के लिए ही है तो उनको ये सूचना मिले तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी भी है ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस तरह से सूचनाएं पहुंचाएं। ऑर्डर हर विद्यार्थी तक नहीं पहुंच पाता है, नहीं पढ़ पाते हैं या हम भी कहीं ना कहीं कभी कभार लापरवाही हो जाती है तो नहीं बता पाते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कर दें जिससे सभी बच्चों तक पहुंच जाए। तो बच्चों तक पहुंच जाए, अगर मान लो वहाँ किसी टीचर को नहीं पता है तो वो उनसे पूछ ले, अवगत करवा दे कि ऐसा कुछ है तो उनको उनका लाभ मिल सके, जो पात्र अभ्यर्थी है उनको लाभ मिले, किसी भी बच्चे को अगर लाभ मिले तो ये हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य रहेगा। थैंक यू और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दे, सभी को तक पहुँचा दे। धन्यवाद।